बाकी देखिए आजकल गांव की औरतें जंगल से सूखी पत्तियां ला रही है, और कम से कम सुबह चले गए थे जंगल 3-4 घंटे के बाद अब आ रहे हैं तभी तो तभी तो आ रहे यार। हेलो जी, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटे को ढेर सारा प्यार। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मेरे मायके रौली गांव से। कैसे हैं आप सभी? होप कि अपने अपने घरों में सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के करीबन 1 बजे से। बाकी आज का मौसम देखिए, मस्ती धूप खिली हुई है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे सगोड़े के साइड से। जैसे कि आजकल दिसंबर का महीना लग गया है, इस महीने हमारे पहाड़ों में ना माल्टे, नींबू, संतरे, काफ़ी सारे सर्दियों के मौसम वाले फल ना पक के तैयार हो जाते हैं। तो हमारे पेड़ों पे देखिए काफ़ी सारे माल्टे हो रखे हैं, तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज माल्टे का जूस बना लिया जाए। तो जो पके पके लाल लाल माल्टे हैं ना, उनका जूस बनाएंगे। इनका जूस ना हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। आप सभी को पता है माल्टे में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है और हमारी त्वचा के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है माल्टे का जूस। तो मैंने सोचा आज इसी का ब्लॉग बना लिया जाए। बाकी देखिए इस पेड़ पे तो कम ये माल्टे आ रखे हैं, तो कल नहीं सॉरी परसों मैं अपने गांव वाले घर से लेके आई थी माल्टे। यहाँ पे देखिए माल्टे मैंने इस टोकरी में रखे हुए हैं जूस बनाने के लिए। ये देखिए तो 10-12 माल्टे हैं, और माल्टे का जूस हम बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे सिंपल तरीके से। तो चलिए जी, पहले ना जूस बनाने से पहले जो ये माल्टे हैं इनके छिलके निकाल लेंगे पूरे। मुझे भी दिखा दो ब्लॉग। और मिली आंसी से, आंसी तो बन रखी है भूतनी। अब माल्टे का जूस बनाने से पहले इन बड़े बड़े माल्टों को 2 टुकड़ों में काट लेंगे, ऐसे बीच वाले हिस्से से। जैसे यहाँ पे मम्मी काट रही है, ऐसे काटने से ना जो इनके बीच में ये बीज होते हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं और बीज आसानी से इन माल्टों के अंदर से रिमूव भी हो जाते हैं। नहीं तो ये अगर जूस में जाएंगे तो जूस कड़वा हो जाता है, तो इन्हें हटाना ज़रूरी होता है जूस बनाने से पहले। तो थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे इनको और बीज देखिए इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए जी, अब सारे माल्टों को ना फटाफट से काट लेंगे। पहाड़ी जो माल्टे होते हैं ना, ये काफ़ी रसीले होते हैं और इनका जूस इतना मीठा होता है ना, जिसके स्वाद की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। माल्टे संतरे का जूस का सेवन हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद और गुणकारी होता है। विटामिन सी भरपूर होता है जूस में। जैसे कि जूस की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों के मौसम में काफ़ी फायदेमंद भी रहता है इस जूस का सेवन करना। माल्टे के जूस को पीने से डाइजेशन सिस्टम में भी सुधार आता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, तो सीने में किसी भी प्रकार की जलन हो तो इसका जूस का सेवन करने से वो भी ठीक हो जाती है। साथ में त्वचा को चमकदार बनाने में भी माल्टे का जूस का सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ में हमारे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सहायक होता है। इस जूस का सेवन आप सुबह के नाश्ते में ज़रूर करें। यह जूस आपको दिन भर फ्रेश रखेगा और आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखेगा, साथ ही साथ आपकी त्वचा को नेचुरल तरीके से चमकदार भी बनाता है इस जूस का सेवन। तो है ना दोस्तों, इस जूस को पीने के कई सारे फायदे एक ही साथ। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं अब जूस को। जितने माल्टों का हम जूस बनाएंगे उतने हमने काट के और इनके टुकड़े करके इनसे बीज भी निकाल लिए हैं। बीज हमने इस थाली में इकट्ठा कर लिए हैं। इन बीजों को हम फेंकेंगे नहीं, इनके ना पौधे जमाएंगे हम, इसलिए हमने इस थाली में इकट्ठा कर दिए हैं सारे बीज। तो चलिए जी, अब इन कटे हुए माल्टों के टुकड़ों से ना इनके छिलके अलग कर लेंगे जूस बनाने से पहले। तो सारे छिलके निकाल दिए हैं हमने इन फलियों में से। बाकी अब इन सारी फलियों को अलग अलग कर लेंगे। तो माँ ने सारी फलियों को अलग भी कर लिया है। माल्टों की अलग अलग फलियां हमने इस थाली में छिल दिए हैं। अब इन सारी फलियों को यहाँ मिक्सर जार में डाल देंगे ग्राइंड करने के लिए। तो जितने जार में संतरे आ रहे हैं माल्टे, उतने मैंने भर दिए हैं। अब
एक ढक्कन में चीनी ऐड कर दूंगी, साथ में डाल दूंगी एक गिलास के करीबन पानी। तो पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है जूस बनाते समय, नहीं तो ये पीसेगा नहीं अच्छे से। अब ढक्कन लगा के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। पहली बार में हमने जितने संतरे डाले थे उनका जूस बनके तैयार हो गया है। अब जार को निकाल के और जूस को इस बाल्टी में इकट्ठा कर लेंगे। ग्राइंडर में हमने दोबारा भी जूस को बना लिया है। अब जार से जूस को इस छन्नी की मदद से बड़े से पतीले में छान लेंगे। जूस और फाइबर को अलग अलग कर लेंगे, तो इस चम्मच की मदद से ऐसे दबा दबा के हम जूस को अलग निकाल लेंगे। सारे माल्टों को हमने अच्छे से छान लिया है और इस पतीले में कम से कम 2 किलो जूस छन के इकट्ठा हो गया है। बाकी जो बचा हुआ मिक्सचर बचा हुआ है माल्टे का, इसको हमने थाली में अलग से निकाल लिया है। इसका लेप भी लगता है फेस पे और स्किन बिल्कुल चमकदार हो जाती है इसका लेप लगाने से। और हम तो इसको भैंस को पिंडे में देंगे। अब जूस को आप सीधा सीधा सर्व करके पी भी सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा नमक डालना पसंद है तो आप काला नमक डाल के जूस को पी सकते हैं। यहाँ पे आधा चम्मच काला नमक डाल लेंगे और चम्मच से अच्छे से घोल लेंगे। अगर आपको नमक डालना पसंद नहीं है तो आप इसको सिंपल तरीके से सादा पी सकते हैं। तो चलिए जी, जूस हो गया है पीने लायक तैयार। तो माँ दे के आएगी पापा जी को, बाकी बच्चों ने तो पी लिया है एक एक गिलास। माल्टे के जूस को आप सुबह के नाश्ते के साथ भी ले सकते हैं और किसी भी टाइम जिस टाइम आपको पीना पसंद है। तो चलिए जी, फ्रेश फ्रेश नारंगी के जूस का लुत्फ उठा लेते हैं। बाकी पापा और घर वालों ने सभी ने पी लिया है, तो काफ़ी मीठा और टेस्टी हो रहा है घर के माल्टों का जूस। गजब का स्वाद है। 5-6 गिलास हमने जूस पी भी लिया है। बाकी ये आधा लीटर की बोतल जूस की हमने स्टोर करके रख दी है, तो आप चाहें तो एक हफ्ते तक एक दिन के बनाए हुए जूस को स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए जी, कल के काम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ज्योति नेगी वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। होप कि आपको मेरा माल्टे की जूस बनाने की रेसिपी पसंद आया होगा। थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। साथ में जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।